अपने बेटे की फोटो देख रही है, मेरे को आया थीगा। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, प्रीति व्लॉग में फिर से एक बार आपका प्यार भरा नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे कैसे बैठी हूँ, आज मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। सुबह मैंने काम किया, कपड़े धोए, जो भी घर का रूटीन वर्क होता है वो किया, और उसके बाद में मैं सो गई। सोने के बाद में जब भी दिन में सोते हैं तो सोने के बाद में इंसान बहुत उठता है तो बोरिंग सा महसूस होता है। उसके बाद मैं नहाई, हेयर वॉश किया तो थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है, और फिर मैं आराम से पी रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर। चाय पीने की मुझे बहुत हैबिट है, जब तक मैं शाम को चाय नहीं पीती तो शायद मेरे को ही नहीं होता है, ऐसे एनर्जी लो हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो मुझे ऐसे ही लगती है, ये बहुत ही गंदी हैबिट होती है पर होती है, हम छोड़ नहीं सकते, चाय की ऐसी हैबिट है। अभी मैंने पी ली है चाय और उसके बाद में मैं जाती हूँ छत पे कपड़े धोने। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब मैं पहुँच गई हूँ ऊपर के पोर्शन में। सबसे पहले मैं अचार के डिब्बों को थोड़ा सा पीछे करके रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं मंदिर से वापस आऊँगी तब तक धूप ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं भूल जाती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं उतारती हूँ कपड़े। कपड़े पहले ही सूख गए थे, उनको मैंने पहले ही समेट के रख दिया, और जो अभी उतार रही हूँ उनको मैं मंदिर से आकर वापस तो समेटूंगी। बाल बांध देते हैं, जाना है मंदिर हमें। अभी पूरे बाल तो सूखे नहीं, फिर भी बांधने पड़ेंगे, मंदिर जाऊंगी तो बिखरे बिखरे बाल मुझे नहीं पसंद। ये जो मंदिर है ये मेरे फादर इन लॉ ने बनवाया था, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, और अभी मेरे मदर इन लॉ इसकी मंदिर की पूजा करते हैं। वो संडे वाले दिन चौकी लगाते हैं, उनके अंदर माता जी आती हैं और वो संडे के दिन माता की चौकी लगाते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से उन्होंने चौकी लगानी बंद कर दी है, और इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा और वो चौकी लगाएंगी माता की, तो मैं आपको सबको ज़रूर दिखाऊंगी कि माता कैसे आती है और उनकी चौकी कैसे लगती है और मनोकामना भी पूरी होती है सब लोगों की। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर में। पहले ही मंदिर में है और मैं भी पहुंच गई। मैं तो पूजा करने के लिए मंदिर में आई हूँ, मम्मी मुझे लग रहा है शायद सफाई कर रहे हैं क्योंकि वो पीछे चले गए हैं बेसमेंट की तरफ। चलिए आप सबको हम अपना मंदिर दिखाते हैं। ये है माता जी का बेड, माता जी इस पे रात को सोती हैं। रात को बेड को अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर चद्दर रख देते हैं ताकि माता जी आराम से सो सकें। चलो अब मैं भी कर लेती हूँ माता जी की पूजा, फिर उसके बाद में आपसे बात करती हूँ। मम्मी क्या कर रहे हो तुसी? बेटे मैं अजय देवल जी अपने बेटे की फोटो देख रही हूँ, मेरे को आया थीगा।
इनको तो आप सब जानते होंगे, ये हैं अजय देवगन जी। बोल बच्चन की शूटिंग जयपुर के आमेर में हुई थी और ये रेगुलर दर्शन करने के लिए हमारे मंदिर में जरूर आते थे। जब भी ये जयपुर सिटी में आते हैं तो मिलके जरूर जाते हैं, जाता है मम्मी से भी माता से भी। हमारे पास उनकी बहुत सारी पिक्स हैं पर हमने कुछ ही मंदिर में फ्रेम करवा के रखी है। अजय देवगन जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस नेचर के हैं। हमें भी फर्स्ट टाइम पता चला, हीरो भी बहुत अच्छे नेचर के होते हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मंदिर में और अब हम चलते हैं घर पे। और मेरा मूड अब थोड़ा सा चेंज हो गया है और मन जो नहीं लग रहा था अब मन लग गया है। अब हम जा रहे हैं घर। देखा, आज हमने आपको अजय देवगन जी से भी मिलवाया पर पिक्स में, नॉट ओरिजिनल। हमारी फैमिली उनकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन है और मम्मी उनको अपना बेटा ही कहती हैं। भगवान करे उनको बहुत बहुत सारी खूब सारी मूवीज़ मिले जयपुर में और वो हमारे मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आए। देखिए, आपकी फ़ोटो लगती है मंदिरों में। सुपरस्टार होने के बावजूद भी उनका नेचर बहुत ही अच्छा है और वो सभी के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। और अब हम चलने वाले हैं घर और मुझे लग रहा है शायद कोई हमारे मेहमान आए हैं, तो चलती हूँ देखती हूँ कौन है। और देखिए ये हमारे फर्श का कलर कैसा हो गया, जामुन की वजह से जामनी जामनी कलर हो गया। और मैं देखती हूँ कौन आया है। हेलो कर दो। हेलो, मेरे को तो किया नहीं हेलो आपने। हेलो, आपका क्या नाम है? आजो बेटा, आ जाओ, आ जाओ भाभी जी। अंदर ये रहा झूला, देखो ये रहा, देखो गरम तो नहीं है? हाँ, मैं इधर मंदिर में आई थी। अच्छा, मंदिर में आई थी। शाम को आ जाते हैं हम मंदिर में। अच्छा, माता के दर्शन करने इस समय आ जाते हैं। फिर क्या, बाद में घर का काम हो जाता है, रोटी बनानी सब्जी ऐसी हो जाता है। हाँ, ये सबके पास आ जाता है ये। क्या देख रहे हो? आपने तो मेहंदी लगाई है। अरे वाह भाई वाह, मेहंदी लगाई है आपने तो बेटा। अच्छा, ईद पे लगा। आपकी मेहंदी तो बड़ी अच्छी है भाई, आपकी भी अच्छी है। नहीं, कल लगाई है आपने। अच्छा, दोनों दोनों हाथों पे लगाई है। ठीक है ठीक है, हमने नहीं लगाई मेहंदी। फिर उसके बाद रख देंगे फ्रिज में उसको, गोश्त को। फिर बुधवार को बुला लेंगे, सबके दावत चल रही है ना एक साथ ही बड़ा। हाँ, आपके तो भी दावतें चल रही है ना, सुबह भी कहिए शाम भी कहिए। बाय बाय भाभी। जब कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है तो बहुत ही मजा आता है। आज मैं जितना ज्यादा बोर हो रही थी और उतना ही मजा आ गया। लो जी, अब मैं आ गई हूँ घर और मेरा मन बहुत ही अच्छा लग गया क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे और बहुत ही मजा भी आया। और इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।